नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर सुनीता बरगोटिया आपका फिर से वेलकम करती हूँ केमिस्ट्री की नई क्लास में। हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल एक्टिविटी की। हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था और हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। तो हम पढ़ रहे थे स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी में बच्चों हमने ये डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसे कहते हैं। जो मॉलिक्यूल्स, हम स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं ताकि आपको पिछली क्लास का फिर थोड़ा रिवाइज हो जाए। हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल एक्टिविटी री प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन ये देती हूँ कि एक ऐसा कोई भी प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल ग्रुप या एटम को टू इक्वल हाफ्स में काट दे और जो टू इक्वल हाफ्स कटे हुए हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो, तो उस तरह के प्लेन को कहेंगे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी किसी भी एक ग्रुप या एटम को टू इक्वल हाफ्स में इस तरह काटना कि वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों और दोनों में एक काटने के वक्त एक तरह की सिमेट्री बरकरार रहे। जैसे कि मेरे पास ये एक ऑरेंज है, ये बॉल है और मैं इसको बीच से काटने वाली हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये बॉल है या मैं ऑरेंज कह सकती हूँ उसको, और मैं इसको एक चाकू से काट रही हूँ। मैंने इसको बीच से इस तरह से चाकू से काट दिया। चाकू से काटने के बाद मैं ये देखती हूँ कि ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया। तो अगर मैं इसके बीच में एक प्लेन इस तरह से लगाऊं, मतलब मैंने अगर ये काटा है, मैंने एक प्लेन लिया और इस प्लेन की वजह से इसको इस तरह से काट दिया और ये प्लेन यहाँ पे बरकरार है, तो क्या ये दोनों जो इक्वल पार्ट्स बने हुए हैं, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? बिल्कुल, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो इस तरह का प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को टू इक्वल पार्ट्स में काट दे, उस तरह को हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी ऐसा प्लेन जो सिमेट्री बरकरार रखते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल या उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मेरे बीच से एक प्लेन पास हो रहा है, तो ये जो प्लेन जो पास हो रहा है मेरे बीच से, तो वो मेरे लेफ्ट साइड को और राइट साइड को जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और जो दोनों जो पार्ट हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, यानी इक्वल जो है ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे के। तो इस तरह के प्लेन को हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। मान लीजिए मेरे पास एक और एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैं इसको, ये मेरे पास एक एप्पल है और इस एप्पल के बीच से मैं एक प्लेन पास कर रही हूँ। इस तरह से प्लेन ये इसको काट रहा है। जैसे इस प्लेन ने इसको काटा, इसके टू डिवाइड हो गए, टू हाफ्स, और जो टू हाफ्स हैं क्या वो बिल्कुल सिमिलर हैं? जी हाँ, वो बिल्कुल सिमिलर हैं। तो इस तरह का जो प्लेन जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे किसी ऑब्जेक्ट को जो मिरर इमेजेस हुए एक दूसरे की, इस तरह को प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब बच्चों हम इसकी बात करें आगे, तो हम इस प्लेन को किस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास, अगर हमने इस प्लेन को ऊपर से नीचे की ओर लगाया है, तो ये वर्टिकली हमने इस प्लेन को लगाया है, तो इस प्लेन को हम कहेंगे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये वर्टिकली हमने इसको जो है ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया है वर्टिकल प्लेन से काटते हुए।
मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट इस तरह से है और मैं इस प्लेन को हॉरिजॉन्टली इस तरह से लगा रही हूँ, हॉरिजॉन्टली इस तरह से लगा रही हूँ, यानी मैंने हॉरिजॉन्टली इसको ऐसे काटा है जिसकी वजह से ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो इस तरह के प्लेन को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इसको ये डायगोनल फॉर्म में इस तरह रहता और मैं इसको टेढ़ा काटती इस तरह से, तो अगर ये डायगोनली इसको काट देता तो इस तरह के प्लेन को हम कहते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह से हम तीन टाइप के प्लेन ऑफ सिमेट्री को स्टडी कर सकते हैं। एक है हमारे पास वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक हमारे पास है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह के प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। अब हम कुछ इससे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। तो बच्चों सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियर हो, नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं इस तरह से। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है ये इथीन है। इसमें देखिए बच्चों, हम फर्स्ट जो है वर्टिकल प्लेन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कि अगर मैं इसके बीच में से वर्टिकल प्लेन लगा दूं एक यहाँ से, तो हम ये देख सकते हैं कि इसके जो आधे आधे पार्ट हैं दोनों तरफ हाइड्रोजन है और इधर भी दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तो जो दोनों पार्ट हैं वो इक्वल उस पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और सेम है, तो यहाँ पे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाऊं बच्चों, तो देखिए जो ऊपर एच है वही नीचे एच है और इधर भी ऊपर एच है वो नीचे एच है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो है वो आप एग्जांपल्स कर सकते हैं। आगे मैं एक दूसरा एग्जांपल आपसे प्रैक्टिस करवाती हूँ जिसमें हम इस तरह का स्ट्रक्चर ले रहे हैं। मान लीजिए मैं इन दोनों हाइड्रोजन्स को दो क्लोरीन से रिप्लेस कर रही हूँ। अब मैं इसमें बीच में एक वर्टिकल सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा रही हूँ सबसे पहले, तो हम ये देख सकते हैं कि इधर की जो साइड है वो बिल्कुल इधर के साइड की मिरर इमेज है, सेम है, इधर हाइड्रोजन इधर क्लोरीन बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाऊं, देखिए अगर इसमें से बीच में से मैं एक प्लेन लगाऊं, तो अरे ऊपर तो हाइड्रोजन है पर नीचे क्लोरीन है, ऊपर हाइड्रोजन है नीचे क्लोरीन है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग सकती, इसमें ओनली जो है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसका एग्जांपल कर सकते हैं। आगे मैं कुछ और डिस्कस करती हूँ। आगे मैं कुछ इसके प्रैक्टिस कराने के लिए आपको एलीन सिस्टम प्रैक्टिस करवाती हूँ। अगर आपने एलीन्स कभी पढ़े हुए हो तो आज हम थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे। एलीन्स क्या होते हैं बच्चों, कि कंसेक्यूटिव टू डबल बॉन्ड्स जो हैं उनको एलीन्स कहते हैं। अगर मान लीजिए हम एलीन्स में अगर हमारे पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो इवन हो सकते हैं और एक ऑड हो सकते हैं। हमारे पास एलियंस में दो तरह के डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, या तो इवन हो सकते हैं
या फिर ऑड हो सकते हैं। अब आपको समझना ये है क्या फर्क होता है जब डबल बॉन्ड्स इवन हो और क्या फर्क होता है जब डबल बॉन्ड्स ऑड हो। जब डबल बॉन्ड्स इवन होते हैं तो जो लास्ट के जो ग्रुप होते हैं वो दो जो इसके हाइड्रोजन्स होंगे वो अबव एंड बिलो द प्लेन होंगे, इस तरह से अबव एंड बिलो द प्लेन प्रेजेंट होंगे और ये दो जो होंगे इन द प्लेन होंगे। इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगी कि अगर इवन डबल बॉन्ड्स होते हैं तो ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं वो ऊपर और नीचे रहेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास ये जो है ये डबल बॉन्ड का जो है वो डबल बॉन्ड है हमारे पास, तो ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं ये अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन है और ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं ये इन द प्लेन है, मतलब इस बॉन्ड के प्लेन में रहेंगे यहाँ पे, और ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं ये अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन रहेंगे। और अगर हमारे पास डबल बॉन्ड ऑड हैं तो सारे जो इसके बॉन्ड्स हैं वो इन द प्लेन रहेंगे, इन प्लेन सभी भी रहेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें आप किस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हो। मान लीजिए मैं इसमें एक वर्टिकल प्लेन लगा रही हूँ, वर्टिकल प्लेन मतलब मैं इसको इस तरह से काट रही हूँ, ठीक है। यानी हमारे पास ये है, अगर मैं इसको आपको इस तरह से समझाऊं कि हमारे पास ये है और ये डबल बॉन्ड है और ये हमारे पास ये दो हाइड्रोजन है और ये दो हाइड्रोजन है, तो मैं एक प्लेन ऐसा लगा रही हूँ, मैं एक प्लेन ऐसा लगा रही हूँ जहाँ पे ये प्लेन इन दो हाइड्रोजन्स को काटते हुए, इन दो हाइड्रोजन्स को काटते हुए और इन दो हाइड्रोजन्स के बीच में से निकल रहा है, यानी इन दो हाइड्रोजन्स को काटते हुए और इसके बीच में यूँ निकल रहा है, तो इसमें वर्टिकल ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री आप लगा सकते हैं, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं। और मान लीजिए मैं इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाऊं, तो अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाऊं तो अबव एंड बिलो द हाइड्रोजन के ऊपर और नीचे को ये काट देगा और इन दो हाइड्रोजन्स के प्लेन में इसको काटता हुआ निकल जाएगा, तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी लगा सकते हैं। ये इन प्लेन है, ये इन प्लेन है, यानी इसमें तो आप इसको डायरेक्ट ही हॉरिजॉन्टल उससे स्लाइस की तरह जो है प्लेन लगा के काट सकते हैं, तो इसमें तो कोई आपको सोचने की बात ही नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे पास अगर जो है ग्रुप्स बदल जाते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रुप्स बदल जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे अगर ग्रुप्स बदल जाते हैं या मान लीजिए यहाँ Cl आ जाए तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? क्योंकि अगर हमारे पास ऊपर और हाइड्रोजन, ऊपर जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे इस तरह से ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, तो अगर आप इसको काटेंगे इस तरह से काटेंगे तो अगर इसको इस तरह से काटेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन तो इक्वल पार्ट में कट जाएगा, लेकिन इसको काटते हुए अगर आप इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन को देखेंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में नहीं कट पाएगा। उसी तरह से अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाएंगे तो ये क्लोरीन और हाइड्रोजन तो इक्वल पार्ट्स में कट जाएगा लेकिन ऊपर और यहाँ पे ये दो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह के इसमें ना तो आप वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं और ना ही हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं। और अगर आपके पास अगर ये ऑड जो है ऑड अगर आपके पास डबल बॉन्ड है एलीन में और यहाँ पर सीएल है, तो यहाँ पे सीएल है तो इन एटम को एज अ हम बॉल ट्रीट करते हैं। आपको मानना है कि यहाँ पे बॉल्स हैं और जैसे ही आप इनको इस तरह से प्लेन में मानेंगे, ये इन द प्लेन है सारे के सारे, ये हमारे पास दो क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, तो अगर आप जैसे ही इसको इन प्लेन मानेंगे और एक स्लाइस की तरह प्लेन कट करेंगे तो ये सबको इक्वल पार्ट में काटता हुआ निकल जाएगा, तो इसमें जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है। तो इस तरह से बच्चों आप प्लेन ऑफ सिमेट्री की और भी जो मॉलिक्यूल्स है उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं
और आगे के आने वाली क्लासेस में हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।